लंदन में ये वो किंगम पैलेस की खिड़कियां हैं, जहां से चंद ही लम्हे बाद नौबियाता शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट कैथरीन इस बालकनी पे नमूदार होगी, और नीचे खड़े हुए हजार हा अफराद को हाथ हिलाकर उनके जज्बात का शुक्रिया अदा करेंगी। इसी दौरान आप ये देख रहे हैं कि फ्लाई पास्ट के लिए फिज़ा में तैयारे बुलंद हो चुके हैं, और ये खसूसी कैमरे के ज़रिए कॉकपिट में सवार हवाबाज दिखाए गए हैं। ये वो तैयारे हैं फिज़ा में जो शाही जोड़े को और शाही ख़ानदान को जब वो बुकिंगम पैलेस के बालकनी में अवाम के नारों का जवाब देने के लिए आएंगे तो ये तैयारे सलामी देंगे। ये है लंदन का शाही महल बुकिंगम पैलेस या कसरे बुकिंगम, जहाँ इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जिस तरफ भी देखिए लोगों का एक जमे गफीर है, और ये वो बालकनी है जहाँ अभी पर्दों के पीछे कुछ सर हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही है कि थोड़ी ही देर में शाही ख़ानदान के ये अफराद खुशी के इस मौके पर बालकनी में आएंगे। आज जुम्मे के दिन 29 अप्रैल 2011 सुबह 8:30 बजे पहला मेहमान गिरजाघर में वेस्टमिंस्टर एबे में दाखिल हुआ था। 11 बजे ये तकरीब शुरू हुई, 1.25 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद शाही बग्गी में सवार होकर नौबियाता जोड़ा शाही जोड़ा यहाँ बकिंगम पैलेस आया। बकिंगम पैलेस आने के बाद यहाँ मलकाए बरतानिया एलिजबेथ ने यहाँ आए हुए गैर मुल्की मेहमानों और शाही ख़ानदान के अफराद के एजान में दोपहर का खाना दिया हुआ था। देखिए ये लोगों का कितना बड़ा हुजूम है, जो वेस्टमिंस्टर एबे से जब ये शाही जोड़ा या बुकिंगम पैलेस आया है तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे यहाँ तक आए। लीजिए बालकनी का पर्दा हटा और नौबियाता जोड़ा शाही जोड़ा प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन बालकनी में आकर हाथ हिलाकर इन आवाम के नारों का और ख़ुशी का जवाब दे रहे हैं। बस इसको आज की इन शादी की तकरीबात का नुक्ताए उरूज समझिए। शाही ख़ानदान के बाकी अफराद भी चंद ही लम्हों में इस बालकनी में आएंगे, बल्कि एक एक करके आना शुरू हुई। देखिए मलका एलिजबेथ आई हैं, शाही ख़ानदान के ये बच्चे हैं मलका एलिजबेथ, उनके शौहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कमीला, और अब फ्लाईपास्ट शुरू होने को है। बुकिंगम पैलेस की बालकनी में खड़े हुए शाही ख़ानदान के ये अफराद ये वालिद और वालिदा हैं दुल्हन के कैथरीन के, और खुशी से सरशार ये शाही जोड़ा, और ये रिवायती शादी का बोसा जिसे मैरिज किस के नाम से यहाँ मौसूम किया जाता है, शहजादा विलियम ये हैं हैरी विलियम के भाई, ये हैं आपने देखी अभी केट की बहन वाहिद बहन, और गोया अब शादी की तकरीबात का ये हिस्सा मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद बुकिंगम पैलेस में दूसरी तकरीबात होंगी जिनमें बहुत मखसूस मेहमानों को
बुलाया गया है शाम को मौसीकी की महफिल भी होगी। शहजादा हैरी केट की बहन को आपने देखा और शाही ख़ानदान के बाकी लोग मलका एलिजबेथ अपनी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद वो कारे ममलिकत पूरी तरह से सरंजाम देती हैं। और ये देखिए ये रॉयल एयरफोर्स के वो जहाज़ हैं जो इस नौबहता जोड़े को सलामी देने के लिए फ़िज़ा में बुलंद हैं। मैं जिस जगह बैठा हुआ आलमी अखबार के मीडिया रूम में ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये जहाज़ नॉर्थ होल्ट के एयरफोर्स के हवाई अड्डे से उड़े हैं जो यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट के पैदल के फासले पर है और यहाँ के एयरफोर्स के बड़े हवाई अड्डों में शुमार होता है। प्रिंस विलियम के वालिद को आपने देखा, शहजादा चार्ल्स को, ये मलिका एलिजबेथ हैं और इस तरह अब ये शाही ख़ानदान महल की बालकनी में खड़ा आवाम के नारों का और उनके इजहार मोहब्बत का जवाब दे रहा है। एक बार फिर आवाम की खुशी के लिए ये शादी का बोसा या मैरिज किस। जुम्मा 29 अप्रैल 2011 का ये तारीखी दिन। और अब ये देखिए कि तैयारे सलामी देते हुए गुज़र रहे हैं और इससे चंद ही लम्हों के बाद ये सारी तकरीबात ख़त्म हो जाएंगी और वो लोग जो गुज़श्ता 2 दिन से वस्ती लंदन में दिन रात डेरे डाले हुए थे अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। सफदर हमदानी, वस्ती लंदन, आलमी अखबार।